नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। एक बेहद दर्दनाक खबर यहां पर सामने आ रही है गोंडा से, जहां मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 8 तक पहुंच चुकी है। सिलेंडर ब्लास्ट में 8 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। मरने वालों में बच्चे महिलाएं भी शामिल हैं। बेहद दर्दनाक हादसा। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट में 7 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिलेंडर ब्लास्ट पर दुख जाहिर किया। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं, लेकिन तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि कितना खौफनाक और दर्दनाक यह हादसा यहां पर सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से सामने आया। देर रात सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 3 बच्चों की मौत हो गई। फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। हमारे सहयोगी कैलाश, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ। कैलाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बेहद दर्दनाक हादसा। हम बता दें, वजीरगंज थाना अंतर्गत एक गांव टिकरी है, जहां रात में 2 मंजिल मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर का विस्फोट हुआ। स्थिति यह हुई कि पूरा 2 मंजिला मकान पूरा धराशायी हो गया और प्रशासन को सूचना है। प्रशासन मौके पे जेसीबी मशीनों के साथ पहुंच गई, रात भर रेस्क्यू चला है। रात में ही 7 लोगों को लाशें निकाल ली गई थी और 7-8 लोग जो घायल थे उनको निकाल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी भी रेस्क्यू जारी है। सुबह 1 आदमी की और वहां शव बरामद हुआ है। मरने वालों में 2 महिला, 2 पुरुष, 1 युवक और 3 बच्चे शामिल हैं। शुक्रिया कैलाश जानकारी के लिए आपका। तो सिलेंडर ब्लास्ट गोंडा में हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे महिलाएं पुरुष शामिल हैं। देर रात बताया जा रहा है कि ये बेहद खौफनाक हादसा हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। 3 बच्चों को भी इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी दिए गए हैं।